हे दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष है एंड जैसे मुझे हिंदी उतना नहीं आती है, सो हवेवर मैं आपको अभी हिंदी में एक डेमो देने वाला हूँ कि आप कैसा आपका निकॉन D3100D जो है इसको आप क्या फ़ोन पे कनेक्ट करके आपके जो फोटोज़ जो है वो बैकअप कैसे ले सकते हैं करके। सो अभी इसके लिए पहले आपका कैमरे बैटरी चार्ज रहना चाहिए, जैसे अभी मैंने बैटरी ऑलरेडी इंसर्ट किया हूँ और मैं अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी ऑन कर चुका हूँ और आप मेनू पे जाना पड़ेगा और जैसे इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेटिंग्स हैं और इस पे वाईफाई भी आना है और अभी ये डिसेबल्ड है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आप मेरा जो चैनल है जैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इधर राइट साइड पे आपको जो ऑप्शन आ रहा होगा आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब करके, आप सब्सक्राइब कीजिए और जैसे इधर लाइक का जो वीडियो ऑप्शन है जो थंब सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करके मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप इसे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि मेरे तरफ से मैं और कुछ वीडियोस जो है रिलेटेड टू लाइक कैमरा हो या कुछ भी हो, जैसे मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहता हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। प्लीज़ भूलिएगा मत कि आप मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और कमेंट कीजिएगा। सो जैसे अभी इसका मैं फिर से डेमो के बारे में आ रहा हूँ, जैसे इधर आपने तो सेटिंग्स वगैरह डिसेबल रखा है, अभी डिसेबल के ऊपर जो सेट ऑप्शन है ये जो नेविगेटर की है सेलेक्ट करके आप एनेबल करना पड़ेगा। इसे आप देख सकते हैं वो जो मूव हो रहा है अभी डिसेबल पे है, एनेबल पे आके एनेबल कर दिया, बस इसका अभी काम खत्म हो गया है। और आपका स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, उस पर आप पहले प्ले स्टोर में जाके ये जो कैनन कैमरा कनेक्ट जो एप्लीकेशन है इसको आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप देख रहे होंगे। और इसका लिंक भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन पे शेयर करूँगा। और ये जैसे अभी इंस्टॉल किया हूँ और इसे हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये ऐसा दिखेगा आपको। ओके, तो इसके बाद आप जैसे पहले आप आपका वाईफाई ऑन रखना है, वाईफाई ऑन रखने के बाद सेटिंग्स पे जाके चेक करना है कि आपका NFC ऑन है या नहीं। जैसे आप देख रहे हैं इधर NFC ऑन किया रखा हूँ, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ और फिर से मैं अभी ऑन कर दिया हूँ। ओके, तो अभी NFC ऑन है तो बस कैमरा आप ओपन करना है और आपका फो कैमरा लेना है और कैमरा में आप ये NFC वाला सिंबल देख रहे होंगे, ठीक है। तो कैमरा में एक स्पेसिफाइड पॉइंट में रहता है और हर मोबाइल में आपको पीछे रहेगा, जैसे ये मोटो एक्सप्ले है जिसे मैं इसको बैक कवर डाल चुका हूँ तो उसका तो वह आपको कुछ दिखाई नहीं देगा किधर है, मतलब हर स्मार्टफोन पे आपको पीछे रहेगा वो। तो अभी हम क्या करते हैं इसको टैप करते हैं, रखिएगा। ओके, इसको अभी मेरा मोबाइल जो है इसके ऊपर टैप करते हैं। रखिएगा, पहले मैं क्लोज करके फिर से ओपन कर रहा हूँ, चेक कर लूँगा कि अभी ये अनेबल्ड है या नहीं। ओके, अनेबल्ड है ऑलरेडी। तो अभी मैं कैमरा ऐप ओपन किया हूँ, वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको कनेक्टिंग ऑप्शन आ रहा है, फाइंड ए नेटवर्क, कनेक्ट टू ए नेटवर्क, कनेक्ट टू द कैमरा, जैसे वो पूरा टिक मार्क आने तक आप वेट करना पड़ेगा। सारा ओके हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी कनेक्ट हो चुका है, तो अभी आप बहुत सिंपल है, जैसे आपका कैमरा का तो काम हो गया, बस उस पर कुछ फंक्शन में कुछ काम मत कीजिएगा। डायरेक्ट अभी आपका मोबाइल स्मार्टफोन लीजिएगा और गैलरी ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपका जो अभी हमने जो फोटोज़ लिया है आप इधर देख पा रहे हैं, ये जो फोटोज़ है अभी हमने लिया है कनेक्ट करने से पहले, तो अभी हम इसको बैकअप ले लेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ कैसा बैकअप लेंगे करके। जैसे आप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे 24 से 20 31 जो आज का डेट है ये पूरा आज का फोटोज़ है जो हमने अभी मैंने लिया हूँ, और उसके अनुसार आप पहले ही डेट वाइज सेलेक्ट करना है कौन सा आप बैकअप करते हैं। मैं 25th का बैकअप ले रहा हूँ, क्लिक करके आप उसके बाद इमेज ओपन कीजिएगा तो आप इमेज वगैरह देख लीजिए। इसके बाद जैसे इधर सारे इमेजेस आप देख रहे हैं तो बैकअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर सेलेक्ट करके ऑप्शन आप देख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो पूछेगा कि इंडिविजुअल बैकअप करना है एक एक करके या सभी एक ही साथ। तो मैं अभी सभी एक ही साथ कर रहा हूँ, जैसे ये वाला सिंबल देख रहे हैं इसे क्लिक करने से सब कुछ मार्क हो गया है।
अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो एक एक करके आप मार्क कर सकते हैं, या सब इस पूरा चाहिए तो वो वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद नीचे इधर डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है ना, सिंबल देख पा रहे हैं आप, उसके ऊपर मैं अभी क्लिक कर चुका हूँ। तो अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है कि मेरा कैमरा से अभी मेरा डिवाइस का जो मेमोरी कार्ड है उस पर स्टोर हो रहा है। तो इसके लिए मुझे बहुत आसान हो जाएगा, जैसे इमीडिएट कोई भी इमेज हो या फोटोज़ हो, मैं फेसबुक में या वीडियोस जो यूट्यूब में अपलोड करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इसका भी बैकअप चल रहा है, हम वेट करते हैं। और अगर कुछ इमेज आप बैकअप नहीं लेना चाहते हैं, स्किप ऑप्शन करके आएगा, इमीडिएट स्किप कर देंगी तो वो छोड़ के जो सारा है वो आपका बैकअप लिया जाएगा। ओके, तो अभी जस्ट कंप्लीट होने वाला ही है। ओके, अभी बैकअप सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। इधर आपको ऑप्शन आ रहा होगा चेक इमेज इन सेपरेट ऐप, मतलब बैकअप हो चुका है। अभी मैं गैलरी ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल का गैलरी है और इस पे आप देख सकते हैं इधर आया है कैनन ईओएस 1300D। तो जो भी मैंने इससे पहले का जो बैकअप लिया है वो ऑलरेडी इस पे सेव्ड है, और अभी मैंने जो बैकअप लिया है वो भी इस पे सेव्ड है। जैसे आप मेरा जो डॉगी का मैं पिक्स जो लिया हूँ तो इस पे ऑलरेडी बैकअप हो चुका है, जो आप देख रहे थे जो बैकअप हो रहा था, तो सारा अभी ऑलरेडी बैकअप हो चुका है। तो ये प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं कि इसके अनुसार आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा, ठीक है। जैसे आप इसके लिए तो एक कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैनन कैमरा कनेक्ट मोबाइल में, और उसके बाद इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए और आपका मोबाइल में वाईफाई ऑन कीजिएगा, टेटरिंग ऑन रखिएगा, और आपका कैमरा में जाके जो वाईफाई है वो एनेबल करना पड़ेगा। जो आपको ऑप्शन आएगा वाईफाई एनेबल करने का, उसके अनुसार उसको आप एनेबल करना पड़ता है बस। उसके बाद आप फ़ोटो जो है बैकअप वगैरह लेना शुरू कर सकते हैं। तो इसके अनुसार आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा कि आप आपका जो सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो आप बैकअप ले सकते हैं जी। जैसे मैं सोचता हूँ कि आपको ये जो डेमो था, जैसे ट्यूटोरियल जो था बैकअप लेने का यूज़ हुआ है, तो काइंडली प्लीज़ आप मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ इधर लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन है, और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं और कुछ वीडियोस जो है अपलोड कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस वगैरह हो जो मैं अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू।